देश में अंतिम चरण के मतदान के ठीक पहले प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी जा पहुंचे हैं। पीएम मोदी के ध्यान का आज दूसरा दिन है। उन्होंने सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य दिया। पीएम मोदी के ध्यान का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वह स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है और ओम की आवाज गूंज रही है। इस ध्यान मंडपम की खास बात यह है कि ये वही स्थान है जहां स्वामी विवेकानंद ने देश भ्रमण के बाद 3 दिनों तक ध्यान किया था। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी समंदर की बलखाती लहरों के बीच 3 महासागरों की गोद में बने विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाए हुए हैं, वहीं उनके ध्यान पर देश में सियासी तूफान आ गया है। पीएम मोदी के ध्यान पर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी नेता ध्यान से लेकर उसके प्रसारण पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। राजनीति और धर्म अलग अलग विषय हैं। पीएम मोदी वहां कन्याकुमारी में क्या ड्रामा कर रहे हैं? वहां करीब 10,000 लोग हैं। ये देश के पैसे की बर्बादी है। वहीं अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि 6 चरणों में हुए चुनाव को देखते हुए बीजेपी पूरी तरह से लड़खड़ा गई है। उसको INDIA का मतलब समझ में नहीं आ रहा है। वो इतनी घबराई हुई है कि INDIA को इंडी गठबंधन बोल रही है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि 7वें चरण में काशी की सीट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हारने वाले हैं। यही वजह है कि आप पीएम तपस्या और ध्यान करने चले गए हैं। कितनी भी तपस्या कर लें, जनता उन्हें छोड़ेगी नहीं। इस पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री ध्यान लगाने नहीं बल्कि फोटो खिंचवाने और फिल्म बनवाने जा रहे हैं। पिछली बार गुफा में बैठकर फोटो खिंचवा रहे थे। मोदी जी से आग्रह है कि ध्यान लगाने जाएं तो ध्यान में बाधा उत्पन्न करने वाली चीजें साथ में न लेकर जाएं। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने को लेकर सवाल किया। कहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत मूल्यवान है और इसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं है। दरअसल पीएम मोदी का इस तरह के ध्यान लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? श्री गुरु रत्ना प्रभु कहती हैं कि ध्यान का निहित उद्देश्य होता है। उन्होंने बताया कि जिस तरह गांधी जी अपनी मांगों को लेकर अनशन करते थे, ध्यान कुछ कुछ इसी तरह से होता है। इसमें ब्रह्मांडीय शक्तियों के उद्देश्य प्राप्ति के लिए एकाग्रचित होकर मांगे की जाती हैं। जब हम ब्रह्मांडीय शक्ति से कुछ मांगों को पूरा करवाना चाहते हैं, तब ध्यान के आधार का सहारा लिया जाता है। अगर ये उद्देश्य ब्रह्मांड के औचित्य के लिए हो, सृष्टि के लाभ के लिए हो, तो ब्रह्मांडीय सत्ता इस उद्देश्य को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या उद्देश्य है, ये तो उनके मन में ही होगा, लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ये ध्यान कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी हर बार चुनावी नतीजों से पहले कुछ अलग करते हैं। 2014 के नतीजे से पहले प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया था। 2019 के लोकसभा रिजल्ट से पहले पीएम मोदी ने केदारनाथ की गुफा में जाकर ध्यान लगाया था। अब 2024 के नतीजों से पहले पीएम कन्याकुमारी में स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगा रहे हैं। जाहिर है कि इसके सियासी संदेश दूर तक जाने वाले हैं।